हेलो स्टूडेंट्स, आशा करे तुम्हें माने समस्ते भल थिबो। आई होप कि तुम माने समस्ते पूर्व वीडियोस गुड़ाक देखी थिबो, बुझी थिबो, आ समस्ते असाइनमेंट करि थिबो। बहुत पिला मते डाउट पचारचो, इज वेरी गुड, कीप इट अप। आ जो माने डाउट पचारु भी ना हो, जदि भी किछि डाउट अछि ताने एनी टाइम तुम्हें मते पचारि पारिबो, एथि लाज करिबार किछि नै। ता सहित समस्त दिखा असाइनमेंटर सल्यूशन जमी ठीक समय मेल जोगे पठाई पार्च से ध्यान दौथ। तेबे आम स्टार्ट करमर आज सेशन। तो आज सेशन स्टार्ट करने पूर्व मुझ पूर्व सेशन गुड़ाक कौन कौन कवर करकस करदे। आम प्लांट किंगडम पढ़ुले तार प्रथम तीन टा पार्ट आम सरी जाटा पार्ट्रे आम तीन टा प्लांटर डिजन्स पढ़ते कौ कौ डिजन्स आलजी ब्रायोफाइटा आउ टेरिडोफाइटा ए तीन जन विषय पढ़ी सारी। तो यही तीन जन भर कमन कौन ना एम का पाखे भी मंजी ना, तो एम सीडलेस प्लांट तमें मंजी विहीन गच्छ थे ठीक अच्छे। तो आज आम पढ़ा कौन ना मंजी विशिष्ट सीडेड प्लांट मानक कैटेगोरी आज आम स्टार्ट करवा ठीक अच्छे। तो बाकी तीन टाइम क्रिप्टोगाम्स मान विषय पढ़ी आज आम फेनेरोगाम्स मान विषय पढ़ा। तो फेनेरोगाम्स मानक मेम्बर किए किए मन पकाओ, दीज मेम्बर अच्छा जड़े जिम्नोस्पर्म आज जड़े एंजियोस्पर्म। तो आज आम जिम्नोस्पर्म विषय डिटेल पढ़ा। देख पहले ये जो जिम्नोस्पर्म जो लिखाई तै बैकग्राउंड के सुंदर रंगीन देखा आ पूर्व आम एत रंगीन तक देखी नथिले ठीक अच्छे। तो जो जिम्नोस्पर्म विषय पढ़ा तुम्हें या फूल बोल कि भाभी दबन, कारण जिम्नोस्पर्म मान फूल ना से मंजी अच्छे सत कि फूल ना। जदि ये फूल नुह ये नाली नाली रंग देखा कौन से गुड़ाक, हाँ ता विषय आज आम डिटेल पाठ पढ़ा। जदि जिम्नोस्पर्म मान फूल ना खाली मंजी अच्छी तेल चित्र जो दे पिंक कलर रेड कलर स्ट्रक्चर से गुड़ाक कौन, तो ता विषय आम डिटेल पढ़ा। एबे आम देखा जिम्नोस्पर्म नामर अर्थ कौन। जिम्नोस्पर्म दीटा ग्रीक शब्द को लेकिन गठित होती कौन कौन, जिम्नोस्पर्म को जो अधा करदे संधि विच्छेद करवा से जिम्नोस आउ स्पर्मा को नहीं गठित बोली कह पार। तो जिम्नोस अर्थ होची नेकेड, स्पर्मार अर्थ होची सीड्स। नेकेड मान उल्लग्न, हाँ जहाँ पर किसी कवरिंग न थाए सीड मान मंजी तमाने जो गच्छ मानकर मंजी उपर कौन कवरिंग न थाए कहते जिम्नोस्पर्म। तुम्हें स्कूल ले जहाँ को नग्न बीजी बोली पढ़ी तमाने मंजी उपर किसी भी कवरिंग ना कि आवरण ना तमाने एम मंजी को फल भितर पशिकी रही न थाए ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ नॉन फ्लावरिंग बट सीडेड प्लांट। नॉन फ्लावरिंग माने अंकर फूल नहीं किंतु मंजी अच्छे। नो फ्लावर मीन्स नो फ्रूट, अच्छा फूल नहीं माने फल कौटू आसब आम जानचे फूल रू धीरे धीरे फल हुए। तुम देख तुम बारिडे जितेबाला पिजुड़ी फूल हुए से पिजुड़ी रू धीरे 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 फल है कि पिजुड़ा धीरे धीरे फूलटा सरी 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 पड़े, हाँ तो फूल अच्छी माने तार फल अच्छी। जेहेतु जिम्नोस्पर्म फूल नहीं फल कौट आसो फल भी नहीं तार कौन अच्छी मंजी अच्छी। तो मंजी यामती हुए जी फल नहीं तो विषय डिटेल पाठ पढ़ा ठीक अच्छे। नेक्स्ट सीड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फ्रूट हेन्स नेकेड, तेणुक जेहेतु फल ना मंजी मान फल भितर थे फल जेहतु ना मंजी मान भी भितर रे तेणुक आपको नेकेड उल्लग्न नग्न बोल कि कहुए ठीक अच्छे। जेहेतु जिम्नोस्पर्म मान मंजी कौन से फल भितर आवृत हो न थाए नग्न होए तेणुक यहाँ जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी बोल कि कहते। नेक्स्ट वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम, पिलामने आमे लास्ट सेशन ने ऑलरेडी वास्कुलर सिस्टम विषय पढ़ी सारी। वास्कुलर सिस्टम कहा को कहते जाइलम आउ फ्लोएम जहाँ पाखे थी तमें जहाँ पाखे ट्रांसपोर्टेशन जो गच्छ भीतर ट्रांसपोर्टेशन भल हो कहार ट्रांसपोर्टेशन तुम वाटर मिनेराल फूड्र ट्रांसपोर्टेशन भल भाव रोथ तेणु आखिर बहुत बढ़िया वास्कुलर सिस्टम अच्छी ठीक अच्छे। तुम जी बहुत ऊंचा ऊंचा जगह को पानी नहीं जाए पारे, बहुत ऊंचा ऊंचा जगह को खाद्य नहीं जाए पारे, बहुत ऊंचा ऊंचा जगह मिनेराल भी नहीं जाए पारे ठीक अच्छे। तो आपको वास्कुलर सिस्टम जो जाइलम और फ्लोएम जो सिस्टमटा अच्छे वेल डेवलप्ड, हाँ तो मैंने अधिक विकसित अटे। नेक्स्ट नॉलेज क्लाउड आज आम कौन अच्छी जिम्नोस्पर्म्स आर डोमिनेंट प्लांट्स ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। पिले मैंने समस्त जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी थी, जुरासिक वर्ल्ड मूवी में किए थी हीरो डायनोसर्स नहीं कि। तो जेहेतु डायनोसर्स मैंने से जुरासिक युगर जुरासिक गोटे टाइम, हाँ तो से टाइम अनुसार से जो बगीचार पार्क ना दिखाई जुरासिक पार्क, हाँ तो से जुरासिक पार्क जो टाइम थी कहते जुरासिक पीरियड,
ହଁ, ତ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମସ୍ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ଡୋମିନେଟ୍ ମାନେ ଅଧିକ, ତ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡାଇନୋସର ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଥିଲା। ହଁ, କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ସେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କ ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗଛର ସାଇଜ୍ ବା ଆକାର କିପରି। ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟ୍ରି ଅର୍ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରବ୍। ତ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍, ମଝି ମଝିଆ ସାଇଜ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ମନ୍ଦାର ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ସେଇ ଉଞ୍ଚା ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଞ୍ଚା ଗଛ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତାର ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାର ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଦ ରେଡ୍ ୱୁଡ୍ ଟ୍ରି ସେକ୍ୟୁଆ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟଲେଷ୍ଟ ଟ୍ରି। ଦେଖିଲ ପିଲା ଚିତ୍ରରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଦୁଇଟା କେତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବ କେତେ ଉଞ୍ଚା ସେ ଗଛଟା ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଚେର ଜାଗାଟା ଯଦି ଏତିକି ଏତେ ଚଉଡ଼ା ହେଇଥାଇପାରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଗଛ କେତେ ଉଞ୍ଚା ହେଇଥାଏ ଭାବୁଛ। ତ ସେକ୍ୟୁଆ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରି, ସେ କାହାର ମେମ୍ବର, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମର ମେମ୍ବର। ତାମାନେ ସେ ସିନା ଏତେ ଉଞ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଫୁଲ ଥିବ କି ଭାବିଲ, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଫୁଲ ଥାଏ କି ନା, ଫୁଲ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେ ଖାଲି ପୁରା ଉଞ୍ଚା ଗଛଟେ ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ତା ନାଁ କ'ଣ, ସେକ୍ୟୁଆ। ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଆସେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେକ୍ୟୁଆ କୋଉ କାଟେଗୋରିରେ ଯାଉଛି ତୁମେ ଲେଖିବ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ଅଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତମେ ପିଲେ ମନେ ରଖ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମର, ସାଇକାସ୍, ପାଇନସ୍, ଜିଙ୍କୋ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକାସ୍, ପାଇନସ୍, ଜିଙ୍କୋ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡି କହିଦେଉଛି, ତ ତୁମକୁ ଏଇ ତିନି ଚାରୋଟି ନାଁକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରୋଟି ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିସାରିଲେଣି, କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେକ୍ୟୁଆ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ, ଆଉ ତିନିଟା ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, କ'ଣ, ସାଇକାସ୍, ପାଇନସ୍ ଆଉ ଜିଙ୍କୋ। ଏବେ ଆସି ଦେଖିବା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମସ୍ ମାନଙ୍କ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚେରମାନଙ୍କର ଗଠନ କିପରି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଟ୍ୟାପ୍ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଟ୍ୟାପ୍ ରୁଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଟ୍ୟାପ୍ ରୁଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଚେର, ଗୋଟେ ମୋଟା ଚେରଟି ଥିବ, ସେଥିରୁ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିଥିବ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ବାହାରିଥିବ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୋଟା ଚେର ଥାଏ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଗଛ ଦେଇଥିବ ତ ଓପାଡ଼ି ଦେବ, ମୋଟା ଚେର ନଥିବ, ଖାଲି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ସବୁ ଗଛ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ମାନେ ଓପାଡ଼ି ଦେବ, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାପ୍ ରୁଟ୍ ନଥିବ, ମେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେର, ବଡ଼ ମୋଟା ଚେର ନଥିବ, ଖାଲି ଫାଇବର ଗୁଡ଼ାକ ବା ଖାଲି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚେରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂଳ ଚେର ଥିବ, ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ପିଙ୍କ କଲର୍ ଗୋଟେ ଦେଖ ମୂଳ ଚେର, ଯାହାକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ରୁଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରୁଟ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରୁଟ୍ ଆହୁରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥିବ ଟର୍ସିଆ ରୁଟ୍, ପୁଣି ଟର୍ସିଆ ରୁଟ୍ରେ ଆହୁରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥିବ କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ ରୁଟ୍ ବା ରୁଟ୍ଲେଟ୍ସ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ମାଟି ତଳେ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍, ୟୁଜୁଆଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାପ୍ ରୁଟ୍ ନଥାଏ, ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆମେ ଓପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା, ବଟ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଓପାଡ଼ିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କରଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ଚେର ଥିବ, ମୂଳ ଚେର ସହିତ ଛୋଟ 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 ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ଯାଇକି ମାଟିକୁ ଭଲସେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବେ। ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କ ଚେର କିପରି, ଟ୍ୟାପ୍ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆସୋସିଏସନ୍ କ'ଣ, ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ବୋଲେ ମନେ ଅଛି ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ବେଳେ ଫଙ୍ଗାଇ ବେଳେ, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋରାଇଜା ଆସୋସିଏସନ୍, ସେଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ମାଇକ୍ରୋରାଇଜା ମାନେ କ'ଣ ନା, ଗଛର ଚେରରେ ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍ଗାଇ ମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଫଙ୍ଗାଇ ମାନଙ୍କ କାମ କ'ଣ, ସେ ମାଟିରୁ ପାଣି ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟକୁ ଶୋଷିକି ଗଛକୁ ଯୋଗାନ୍ତି, ଆଉ ଗଛ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଫଙ୍ଗାଇକୁ ଯୋଗାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ମାଇକ୍ରୋରାଇଜା ତାହେଲେ କ'ଣ, ଆସୋସିଏସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଫଙ୍ଗାଇ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍। ତ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ପାଇନସ୍। ପିଲେ ମନେ ପକା ପାଇନସ୍ ଆମେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ପାଇନସ୍ ଗଛର ରୁଟ୍ରେ ଫଙ୍ଗାଇମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଫଙ୍ଗାଇମାନେ ପାଇନସ୍ ଗଛକୁ ପାଣି ଆଉ ମିନେରାଲ୍ ଆବଜର୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପାଇନସ୍ ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଏ ନା, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଏପଟକୁ, କୋରାଲୟର ରୁଟ୍ ୱିଥ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଜ୍ ଇନ୍ ସାଇକସ୍। ସାଇକସ୍ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଅଛି ତାର ଚେରରେ ଦେଖ, ସେ ଯେଉଁ ଚେର ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ସେ ଚେର ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଯେଉଁ କାଟିଦେବ, ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କାମ କ'ଣ, ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫିକ୍ସ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ବନ୍ଧନ କରନ୍ତି। ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବନ୍ଧନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗଛ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଇଜିଲି ନେଇପାରିବ, ଖାଇପାରିବ, କାରଣ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁକି ବି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଦରକାର। ତେଣୁ ସାଇକାସ୍ର ରୁଟ୍ରେ ବା ଚେରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଥାନ୍ତି
ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସାଇକସ୍କୁ ଜବଖରଜାନା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କୋରାଲଏଡ୍ ରୁଟ୍। ତୁମ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କୋରାଲଏଡ୍ ରୁଟ୍। କୋରାଲ ରୁଟ୍ ମାନେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଆସୋସିଏସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନ୍ ଦ ସାଇକସ୍ ରୁଟ୍। ଏବେ ଆସିବା ଷ୍ଟେମ୍ ଅଫ୍ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ। ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେମ୍ କିପରି, ଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ କାଣ୍ଡ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେମ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଇପାରେ, ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚଡ୍ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଅନ୍ବ୍ରାଞ୍ଚଡ୍ ହେଇପାରେ। ବ୍ରାଞ୍ଚଡ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ଅଛି। ଦେଖ ଚିତ୍ର କି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ କେତେ ମେଲିଛି, ମୂଳ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାପରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ଡାଇ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ବଟ୍ ଅନ୍ବ୍ରାଞ୍ଚଡ୍ ମାନେ ଦେଖ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ସିଧା ମାଟିରୁ ବାହାରିଛି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, ତାର କିଛି ଡାଳ ନାହିଁ, ତ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ରାଞ୍ଚଡ୍। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ପାଇନସ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚଡ୍ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ପତ୍ରଟା ଦେଖ ମାଟିରୁ ସିଧା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ହେଉଛି ସାଇକାସ୍, ସେଟା ହେଉଛି ଅନ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତାମାନେ ଏବେ ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚଡ୍ ବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ପାଇନସ୍। ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖି ଦେଇଥାଉ। ଝାଉଁ ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖ, ଦେଖିଥିବ ନା ଝାଉଁ ଗଛ ତୁମର ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ, ପତଳା ପତଳା ନିଡ଼ିଲ୍ ଛୁଞ୍ଚି ଭଳିଆ ଯାହାର ପତ୍ର ଥାଏ ଝାଉଁ ଗଛ, ସେଇଟା ପାଇନସ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଅନ୍ବ୍ରାଞ୍ଚଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଇକାସ୍, ସାଇକାସ୍ର ଡାଳ ଆଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପିଲା ଦେଖିବା ଆମେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କ ଲିଭ୍ସ ବା ପତ୍ର ବିଷୟରେ। ଦେଖ ଲିଭ୍ସ ଆର୍ ଆଡାପ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ୱିଣ୍ଡ। ତାମାନେ ପତ୍ରଟା ତାଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନା ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଆଡାପ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ତାକୁ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶକ୍ତି ମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଯେତେ ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ନ୍ତିନି। ଦେଖିଥିବ ତୁମ କିଛି ପତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇକି ପଳାଏ, ତ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ତ ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ସହିପାରନ୍ତି ନା ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ମାନେ ଆର୍ଦ୍ରତା। ଯଦି ଜଳବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ ବି ସେମାନେ ସେମିତି ସଳଖି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ୱିଣ୍ଡ, ଯେତେ ପବନ ଦେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବ ବାତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସବୁ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ, ବଟ୍ ଏଇ ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ୍ ନିଡ଼ିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଲିଭ୍ସ ୱିଥ୍ ଥିକ୍ କ୍ୟୁଟିକିଲ୍, ଶଙ୍କିନ୍ ଷ୍ଟୋମାଟା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ପାଇନସ୍। ନିଡ଼ିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଲିଭ୍ସ ମାନେ ନିଡ଼ିଲ୍ ମାନେ ଛୁଞ୍ଚି। ଦେଖ ପାଇନସ୍ର ପତ୍ର କେମିତି ଦେଖିଲ, ଛୁଞ୍ଚି ଭଳି ନୁହଁ, ତ ୟାଙ୍କର ପତ୍ର ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚି ଭଳି। ୱିଥ୍ ଥିକ୍ କ୍ୟୁଟିକିଲ୍, କ୍ୟୁଟିକିଲ୍ ମାନେ ପତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଥାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ୟୁଟିକିଲ୍। ତ ଏଇଠି ପତ୍ରମାନଙ୍କ ଆବରଣଟା ବହୁତ ମୋଟା ଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋଟା ଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଉତ୍ସେଦନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ମୋଟା ଆବରଣ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବା ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପାଣି ଶୀଘ୍ର ନ ଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଗଛ ଝାଉଁଳିବନି। ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇନସ୍ର, କ'ଣ ନା ସେ ଗଛରୁ ପାଣିକୁ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ବା ଉତ୍ସେଦନ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶଙ୍କେନ୍ ଷ୍ଟୋମାଟା, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଷ୍ଟୋମାଟା ସ୍ତୋମ ପଡ଼ିଥିବ ସ୍କୁଲରେ, ସେ ସ୍ତୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ବା ଉତ୍ସେଦନ ହେଇଥାଏ, ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଥାଏ। ଶଙ୍କେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତୋମ ମାନଙ୍କର ଗାତ ଗୁଡ଼ାକ ବା କଣା ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଏ, ତ ୟୁଜୁଆଲି ଯଦି ଗାତ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇ ବାଟ ଦେଖି ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାଣି ଉତ୍ସେଦନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଶଙ୍କେନ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାତ ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋମାଟା, ତାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତୋମ ମାନଙ୍କର ଗାତ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ସେଥିରେ ପାଣି କମ୍ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ। ପାଣି କମ୍ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଲେ ମାନେ ଗଛ ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ, ଅଧିକ ପାଣି ରହେ ସେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ପାଇନସ୍। ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବ, ଦେଖ ପାଇନସ୍ର ଲିଫ୍ ବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କିଭଳି ଭାବରେ ଛୁଞ୍ଚି ପରେ ଦେଖାହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ଲିପ୍ସ ମେ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ଆର୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ପିଲେ ପତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଫିଜିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ, ତ ଏବେ ଖାଲି ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଲିଫ୍ ବା ପତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟା ଗୋଟା ପତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଫ୍ ଯେଉଁଠିକି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥିବ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶାଖାଟେ ଥିବ, ତା କଡ଼ୁ କଡ଼ୁ ପତ୍ରଟା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତ ସେମିତି ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କ ଆଇଦର ଗୋଟା ଗୋଟା ପତ୍ର ଥିବ, ନହେଲେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ରହିଥିବ। ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ମାନେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ସେଟା ନୁହଁ, ତଥା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି। ଦେଖିବ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଦେଖିବ ଗୋଟା ଗୋଟା ପତ୍ର, ବଟ୍ କୟାଁ ପତ୍ର ଆଣିବ, କୟାଁର ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଥିବ, ପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତାମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାନେ ମିଶିକି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି 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 ହେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଭିତରେ ମେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଛୋଟ 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 କୁନି କୁନି ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବା ପତ୍ରିକା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆଉ ମେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ହେବାକୁ କହନ୍ତି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଫ୍। ହେଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଆଇଦର ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଫ୍ ବି ଥାଇପାରେ, କିଛି ମାନଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଫ୍ ବି ଥାଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ। ଏଇଟା ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ସିନା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତ
आई होप कि तुम्हें आ पूर्वर आम जो पढ़ी टेरिडोफाइट्स मान लाइफ सैकल टे मन रखी आम टे रिकैप भी करदे कारण सिमिलर टू टेरिडोफाइट लाइफ सैकल आसंग किसी बेस कष्ट हम तुमको बुझापाई कि तुम लाइन बै लाइन आसवा एवं देख द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट स्टेज इज द स्पोरोफाइट दैट इज टूवेन आम जानते स्पोरोफाइट मान सब टूवेन से स्पोर प्रड्यूस करते टेरिडोफाइट मान स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट थी क्या पर से निर्भर कर रु ना से भाव में जिम्नोस्पर्म मानकर भी स्पोरोफाइट होची इंडिपेंडेंट तमन तुम चित्र जो गच्छ देखुछ देख मैच्योर स्पोरोफाइट लिखा है से गच्छटा होची गोटे इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर कारण से ता पर निर्भर कर जिक ना से एकला एकला बढ़ुचे सूर्य किरण आने रोसे करी खाऊची ठीक अच्छे से का पर निर्भर करूनी तेणु करके से होची गोटे इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर तमने जिम्नोस्पर्म मान इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर किए स्पोरोफाइट तुम जो भी प्लांट मान लाइफ साइकिल विषय पढ़ुच तुमको यही फेजटा जहाँ कि देखिए जीवाक पड़ तमें तुमको जब जिम्नोस्पर्म मान टोटल गोटे मन रखीदल जिते जिम्नोस्पर्म अच्छा समस्त से आप्लिकेबुल तो इजी हम तुम मन रखा तो आम धीरे धीरे ए पिले टे सीरीयस है पढ़ आ बुझा चेस्टा कर तो फास्ट आम कौन जानले ना जिम्नोस्पर्म मान मेन प्लांट बॉडी बा डोमिनेंट प्लांट बॉडी हूँ कौन ना स्पोरोफाइट और सी आलोक श्लेषण प्रक्रिया करी पारे ना करी पारे ना हाँ करी पारे सेथिमें तो से इंडिपेंडेंट कहा पर निर्भर करे ना। नेक्स्ट द गैमेटोफाइट इज सिंगल टू फ्यू सेल्ड एंड नॉट फ्री लिविंग और जो गैमेटोफाइट टा बहुत छोट हो आदि गोटे कोष विशिष्ट किंवा गोटे रु आ किसी कोष को लेकिन या बहुत बड़ हो ना ये जो गैमेटोफाइट गुड़ा बहुत छोट छोट होती है आज से फ्री लिविंग नुह एकला एकला बची पारे ना से हमें से स्पोरोफाइट भितर ही हमें तापर बाहर को आसिकी सांगे सांगे से कम दम करी पुणी सांगे सांग कौन करती ना आई तो कम सरीगला से जो या फर्टिलइेसन कर दिखती कम न सर से पड़ पड़ी नष्ट हो जाती ठीक अच्छे इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस ना ठीक अच्छे तमें इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस कहार अच्छी स्पोरोफाइट मानकर अच्छी कारण से विशाल काय बॉडी तार फोटोसिंथेसिस करि पारे बट गैमेटोफाइट केते छोटटे गोटे सेल किंबा किछि सेल्स मानकु नेकि तयारी हां आ ओटा फ्री लिविंग नो तुम चित्र जे देखि पारछ देखो मैच्योर स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट लिखा है 2n सेथुरो के दिया रहै छै मेल गैमेटोफाइट दिया रहै छै हो त मेल गैमेटोफाइट लिखा है तमे फीमेल भी करि पारबो किछि भी गैमेटोफाइट करि पारबो आ सेटा जे डिपेंडेंट लिखा है देखो आ ब्रैकेट रे n लिखा है हमें जानछ सब बळे स्पोरोफाइट मानको प्रोयड होछि 2n गैमेटोफाइट मानको प्रोयड होछि n तुम से सिक्वेंस टा मन नथिबो बोली मु आशा करे तो एबे हमें धीरे धीरे लाइफ साइकिल को बढ़िबा पिले जिम्नोस्पर्म मानकर लाइफ साइकिल विषय पढ़ा पूर्व टिके टेरिडोफाइट मान विषय रिकैप करदे तमें यही चित्र में तुम्हें खाली टेरिडोफाइट मान विषय देख आए रिकैप एटा लास्ट सेसन जहाँ पढ़ाई थे रिकैप नक तुम्हें बुझीपारुनि तो टी आम रिकैप करदे मन पका बोले आम जो पढ़ी थे वेजिटेटिव लिप्स थे फर्टाइल लिप्स थे तो फर्टाइल लिप्स मानक स्पोरोफिल्स कहुला देख चित्र जो फर्टाइल लिप्स अच्छे फर्टाइल कंपनी कहते कहीं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं स्पोरांजिया था जो येलो कलर स्ट्रक्चर देखुच फर्टाइल लिफ को कहा गला स्पोरोफिल स्पोरोफिल भीतर से येलो कलर स्ट्रक्चर को कहा जाता स्पोरांजिया स्पोरांजिया भीतर कौन प्रोड्यूस होता स्पोर प्रोड्यूस होता और किसी टेरिडोफाइट मान जो स्पोरोफिल गुड़ाक एमती खोला न रहीकि ओपन न रहीकि केमी रोला ना आइसक्रीम आम जो चकोबार आइसक्रीम खाऊे से भाया कोन आकार स्ट्रोबिलस आकार रोला मन पक पे एवं कह पे ये तले जो डायग्राम अच्छे मुझे नाँटा लिखनी ए मन पकईपर कि ये डायग्राम टा कह तमे तुम कम तुम्हें मन पक ठीक अच्छे तुम जब नोट लिखी थे तुम टे देखीदेब अच्छा एवं आम कौन गोटे बेस जिन खाली मुंडे रखी था कौन ना फर्टाइल लिप्स को स्पोरोफिल कहती स्पोरोफिल भितर कौन अच्छे स्पोरांजिया अच्छी स्पोरांजिया भितर स्पोर प्रोड्यूस हुए स्पोरोफिल मान कि टेरिडोफाइट कोन आकार स्ट्रोबिली आकार रही जाइ पारंती जोटा कि चकोबार आइसक्रीम भाया देखा जाए किसी टेरिडोफाइट मानकर कि जिम्नोस्पर्म पढ़ला बेले कहीं रिकैप कले आ परवर्त चित्र देखिल तुम बुझीपार एक आगे तुम भलसे मन रख एबे देखो लिखाई स्पोरोफिल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोबिली और कोन तामने किछि टेरिडोफाइट मानकर सिना स्ट्रोबिली बा कोन थिला किंतु सबु जिम्नोस्पर्म मानकर स्ट्रोबिली बा कोन अछि तामने तांकर माइक्रो तांकर जो स्पोरोफिल्स गुडा कछि से स्पोरोफिल गुडा ओपन बा फांका बा खाली बा खोला है कि नाहंती से माने केमिति अछंती ना गुडा कोन आकारर अरेंज है कि अछंती तामने तांकर स्ट्रोबिली भीतर कोन थिबो स्पोरोफिल्स थिबो स्पोरोफिल्स भीतर
स्पोरांजिया थिबो, स्पोरांजिया भितर स्पोर प्रोड्यूस होतो। मन पक आम लास्ट स्लाइड डिस्कशन कर छै तन से मन को स्पोरोफिल गुडा को नाकर रो। एबे पिले मन पक आम जो जिम्नोस्पर्म हेडिंग जो लेखा हितला ता पछोडे पिंक कलर फुल भला स्ट्रक्चर थिला सेटा कोन हेथिबो बे भाबुछो। एक्जाक्टली सेटा होचि कोन रो चित्र थिला बा स्ट्रोबेली रो चित्र थिला। एबे हम देखिबा जिम्नोस्पर्म मन को स्ट्रोबेली रो खासियत गुडा कोन कोन केमिति सेटा टेरिडोफाइटा मन को स्ट्रोबेली थारो अलगा अटे। अच्छा देख ये स्ट्रोबेली अच्छी दुई प्रकार स्ट्रोबेली अच्छी मेल मैं गोटे स्ट्रोबेली फिमेल मैं अलग स्ट्रोबेली। यूजुअली टेरिडोफाइटा मैं विषय में पढ़ी थे गोटे गचर हुए तो मेल और फिमेल रही थे पारती जो होमोस्पोरस केस पढ़ते आउ गोटे पढ़ते कौन ना अलग अलग भी रही पारती हेटेरोस्पोरस केस बट टेरिडोफाइटा मैंने जिम्नोस्पर्म मैंने टी उन्नत मान हाँ हाँ आम कहीं गोटे गचर दु जन रखू तो से कहें यूजुअली अलग अलग कौन या मेल पाई गोटे अलग स्ट्रोबेली फीमेल पैंकी गोटे अलग स्ट्रोबेली। तापर कौन लिख मेल कोन बा स्ट्रोबेली जहाँ कौच हाज मेल स्पोरोफिल ताने मेल जो से कोनटा से स्पोरोफिल थी से भी मेल हो बुझना से जो पत्र गुड़ाक थी जो फर्टाइल पत्र गुड़ाक से माने भी मेल होते मेल पत्र पुण मेल कौन कौन पाई ना ता भितर जो स्पोरांजिया गुड़ाक अच्छा से जो स्पोर प्रोड्यूस होता सीए भी मेल होने मेल स्ट्रोबेली जो स्पोर तैयारी हो समस्ते मेल होते आ फीमेल स्ट्रोबेली जो स्पोर प्रोड्यूस हो सब फीमेल स्पोर हेथिबे। अच्छा ये जो मेल और फीमेल भितर तुम गोटे टर्म मन रख मेल मन सब माइक्रो वार्डटा व्यवहार कर फीमेल मन सब मेगा वार्डटा व्यवहार कर टेरिडोफाइटा मान केस जो खाली केस गुड़ा पढ़ी पढ़ी आसूल ता पूर्व खाली माइक्रो बसेबा ना मेगा बसेबा कौन बसेबा देख ए जो मेल स्ट्रोबेली बा मेल कोन हाज स्पोरोफिल्स देखो ब्रैकेट लिखा है माइक्रो स्पोरोफिल्स माइक्रो मान तुम बुझीदब जे माइक्रो वार्ड बच्चे मानने मेल एंड फीमेल हाज फीमेल स्पोरोफिल्स कॉल मेगा स्पोरोफिल ताने मेल स्ट्रोबेली माने कहा को नहीं गठित होते माइक्रो स्पोरोफिल्स को नहीं गठित होते और फीमेल स्ट्रोबेली माने मेगा स्पोरोफिल्स को नहीं गठित होते सेमती मेगा स्पोरोफिल्स मान जो स्पोरांजिया थी ताना हो माइक्रो स्पोरांजिया माइक्रो स्पोरांजिया जो स्पोर प्रोड्यूस होता सी थी माइक्रो स्पोर। अच्छा माइक्रो स्पोर मैंने मेल ना फीमेल मेल देखो से पॉइंट लिखाई है माइक्रोस्पोरोफिल्स बियर माइक्रोस्पोरांजिया प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स सेमती मेगास्पोरोफिल पाखरे मेगास्पोरांजिया थिबो आ मेगास्पोरांजिया रो जो स्पोर प्रोड्यूस होतो से कोन हेथिबो मेगास्पोर्स बा फीमेल तेनु करी मेगास्पोरोफिल्स बियर मेगास्पोरांजिया प्रोड्यूस मेगास्पोर्स बुझेला तमने मते एबे को से माने होमोस्पोरस हेले ना हेटेरोस्पोरस हेले हाँ हेटेरोस्पोरस हेले तेणुकरी समस्त जिम्नोस्पर्म मान हेले हेटेरोस्पोरस कारण से मानकर मेल स्ट्रोबेली अलगा आउ फीमेल स्ट्रोबेली अलगा। एबे जंती ताको मैं डायग्राम करके बुझिया चेष्टा करवा तने एभली भाव हम देख प्रथम मुझे दुटा सेगमेंट कर दे गोटे मेल सेगमेंट गोटे फीमेल सेगमेंट फर्स्ट आम मेल सेगमेंट रू आस देख फर्स्ट जो सपुर भाला चित्र देखा हो मेल कोन मेल स्ट्रोबेली है जो खोली दबा देख ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स लिखाई मानने माइक्रो मान मुझे मेल स्पोरोफिल्स मेल कोन क्या गठित होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स को नहीं गठित होती देख मुझे मझे भाग कर दे काटिदे जो खोलीदेवी से एक्जाक्टली यही देखा देख माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हाथ में सब जो देखा अस्त्र भाया देखा दधीजी अस्त्र भाया देखा से भाया देखा तो मैंने खोला जाइए खोला जाए ये गोटे गोटे पत्र भाया देखु से सब गोटे गोटे माइक्रोस्पोरोफिल। अच्छा माइक्रोस्पोरोफिल भी तो जो येलो येलो कलर स्ट्रक्चर जो किस कौन से गुड़ाक माइक्रोस्पोरांजिया माइक्रोस्पोरांजिया भितर कौन प्रड्यूस होती देख येलो येलो कलर स्पोर प्रड्यूस होती जो स्पोर गुड़ाक कौन कहु माइक्रोस्पोर बस मेल स्पोर आई माइक्रोस्पोर कौन डेवलप होती मेल गैमेटोफाइट देख येलो कलर स्माइल बुझिपार छोट छोट चित्र कर देखी मैं माइक्रोस्पोर गुड़ाक छोट मेल गैमेट को कन्वर्ट होती। अच्छा नेक्स्ट एपट आसा फीमेल सेक्शन को देख से फीमेल गोटे सपुर चित्र होती फीमेल कोन ताको फाड़ करदेला जो पत्र भाला स्ट्रक्चर देखु मेगास्पोरोफिल्स मेगास्पोरोफिल्स मान भर जो येलो कलर स्ट्रक्चर जो मेगास्पोरांजिया मेगास्पोरांजिया टे बड़ साइज स्पोर या कहते मेगास्पोर्स जोटा कि फीमेल स्पोर आ फीमेल स्पोरटा डेवलप होती कौट कि गैमेटोफाइट एटा तो तुम समस्त जान कि स्पोरटा गैमेटोफाइट को डेवलप हुए ए मन पा पे स्पोर प्लॉयड के गैमेटोफाइट प्लॉयड के एन एटा तुम मन थी।
अच्छा, गोटे ग्रीन कलर बॉक्स रे लिखा है जी ऑल दिस डेवलपमेंट अकर्स इनसाइड द स्पोरांजिया। ता माने मेल मानक क्षेत्र रे ए जो मेल गैमेटोफाइट रो डेवलपमेंट हला सेटा मेल स्पोरांजिया बा माइक्रोस्पोरांजिया रे हबो, आ फीमेल मानक क्षेत्र रे जो फीमेल गैमेटोफाइट रो डेवलपमेंट हला माइक्रो मेगा स्पोरांजिया के भितरे ही हबो। ता माने बाहर को असे किछ काम करनतिनी, जेमति सेठी स्पोर माने उड़ी जाउथले ट्रेडोफाइट मानक केस रे उड़ी उड़ी की जाय की तयारी करथले गैमेट ना, एठी से उड़ा उड़ी करनत नै, एठी सब काम से माने घर भितरे लुचिकी करन, ता घर कौन माइक्रोस्पोरांजिया। ता माने जो मेल रो गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हेछि को काहा भीतर डेवलपमेंट हेछि से माने बाहर डेवलप होंती नाही, मनोकिता से माने को डेवलप होंती माइक्रोस्पोरांजिया भीतर ही डेवलप होंती, डेवलप हे से परे से माने बाहर को बाहरंती हला। बाकी टेरिडोफाइट मानक से माने बाहर डेवलप होतिले, बट जिम्नोस्पर्म मानक केस रे मेल गैमेटोफाइट बहुत बड़ हो गेले सेतुल को हला, मेल गैमेटोफाइट होंदो कि फीमेल गैमेटोफाइट होंदो से माने स्पोरांजिया भीतर ही डेवलप होंती, मेल माने माइक्रोस्पोरांजिया भीतर डेवलप हेबे आ फीमेल गैमेटोफाइट माने मेगा स्पोरांजिया भीतर डेवलप हेबे। ठीक अच्छे, से तो सेमेंटिक उन्नत ट्रेडोफाइट मानक ठारु तने पूरा अलग केमथि हबो, तो टिके टिके पार्थक्य रहै छी, तुमे माने मन ध्यान देके सुनुथबो। पिले एबे गोटे इंटरेस्टिंग सेगमेंट पाखरे आमे पहुँची जाइछंती, तो आमे एपर्यंत आम पाइगले कौन आमर मेल गैमेटोफाइट पाइगले फीमेल गैमेटोफाइट पाइगले, आमे जानचे कौन ना से स्पोरटा प्रड्यूस करछि गैमेटोफाइट, तो से गैमेटोफाइट आगु कौन हम ता विषय में पाठ पढ़ाब के, तो किसी नुआ टर्म आम शिखा आज कि नुआ टर्म जाना कि नुआ प्रोसेस भी शिखा, आई प्रोसेस गुड़ाक ये सीमित ही रही है ना, तुम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड भी प्रोसेस रु कि अच्छे। हाँ, नेक्स्ट वी नो दैट स्पोर इज डेवलप्ड फ्रम गैमेटोफाइट, आम जानचे स्पोर गुड़ाक कौन ना इज डेवलप्ड इनटू गैमेटोफाइट, स्पोर गुड़ा गैमेटोफाइट को डेवलप करती। ठीक अच्छे, गैमेटोफाइट को डेवलप है स्पोर डेवलप हुए, देखा माइक्रोस्पोर विल डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट, ओब्वियसली जी माइक्रोस्पोर से तो मेल गैमेटोफाइट को डेवलप कर ना, और से मेल गैमेटोफाइट को कौन कहुए ना पोलन ग्रेन। पिला तुम मैंने पराग संगम विषय पढ़ी थो, पराग रेणु कथा शुणुवा, से जो पराग रेणुटा हूँ मेल गैमेटोफाइट, ता मान से मेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म रा किए पोलन ग्रेन बा पराग रेणु, से कौथ प्रोड्यूस होती माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होती, इट अकर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरांजिया, एटा मैं डिस्कसन कर सारे जहाँ भी हम से किसी के बाहर को बाहरती घर भितर ही तैयारी हे घर कौन मेल मानक माइक्रोस्पोरांजिया। ताने मन रखिता जो माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट डेवलप है ताको कौन कहला मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन बोलिक कहगला, एटा होची गोटे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म, इट इज कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन, जोटा कि तुम पराग रेणु विषय पढ़ी, पराग रेणु को पवन द्वारा उड़ी उड़ी जाए पहुंचे आ गए फूल पाखे फीमेल फूल पाखे पहुंचे से फर्टिलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट से मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप हो, ये जो गैमेटोफाइट पाखे कौन था ना फीमेल सेक्स ऑर्गन था, ता ना होची आर्किगोनिया, हुए तो गोटे थाई पारे दुईटा थाई पारे तीनटा थाई पारे है, यूजुअली दुईटा कि दुई रु अधिक सेक्स ऑर्गन था, आ सेक्स ऑर्गन माने ता भीतर तमरो कौन अच्छी तमरो फीमेल गैमेट थिबो। ठीक अच्छे, ताने मेल गैमेटोफाइट आम जानगले पोलन ग्रेन, से पोलन ग्रेन भितर मेल गैमेट अच्छे, किंतु जो फीमेल गैमेटोफाइट भितर गोटे पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन अच्छे, से सेक्स ऑर्गन भितर जाएकि फीमेल गैमेट अच्छे। ठीक है ना, आउ थे मुझे कहीदे माइक्रोस्पोरटा डेवलप हम इंटू मेल गैमेटोफाइट, से मेल गैमेटोफाइट को अन्य नाम हूँ पोलन ग्रेन बा पराग रेणु, से पोलन ग्रेन भितर मेल गैमेट थाए युग्म क थाए। अच्छा, मेगास्पोर डेवलप हो इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और से फीमेल गैमेटोफाइट रो फीमेल सेक्स ऑर्गन थाए पर्टिकुलर ऑर्गन थाए ताना होची आर्किगोनिया, दुई कि तत्यधिक ऑर्गन थाए से सेक्स ऑर्गन भितर ही फीमेल गैमेट बा स्त्री युग्मक थाए, ताने पु युग्मक बा पोलन ग्रेन को उड़ी उड़ी के आसी पड़बो कोठी कि आर्किगोनिया पाख को, आर्किगोनिया पाख भितर जो स्त्री युग्मक अछि ताको फर्टिलाइज करबा को पड़बो। अच्छा, इट अकर्स इनसाइड द ओव्यूल, पिला माने ये गोटे नुआ वर्ड तुम शिखिल ओव्यूल, ओव्यूल कौन एते इम्पोर्टेंट जिनस गोटे भितर अच्छे आर्किगोनिया भितर अच्छी फीमेल गैमेट, तो ताको प्रोटेक्शन देवाई गोटे कवरिंग थी दरकार ना, तो सेटा हो गए ओव्यूल। ठीक अच्छे, तुम से आर्किगोनिया भितर जो फीमेल जो गैमेट गुड़ाक अच्छे से गैमेट चतुर्प मैंने को कभर करके गोटे प्रोटेक्टिव लेयर थाए कहते ओव्यूल, आ से ओव्यूलटा बड़ होकर मंजी हुए कारण ता भितर फीमेल गैमेट रहा मेल गैमेट से फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर सही फर्टिलाइज कर आईटा बड़ हो कौन हम धीरे 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 फर्टिलाइज हो सर से ओव्यूलटा मंजी में परिणत हो जाने ओव्यूल सीड्र फर्मेसन हुए तेनाली ओव्यूल कौन आर्किगोनिया भितर पर्थक्य कौन जान लो। अच्छा, आउ थे कहीदे फीमेल गैमेटोफाइट तुम्हारा
ଦୁଇ ବା ତତ୍ୟଧିକ ଫିମେଲ ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆର୍କିଗୋନିଆ। ଆର୍କିଗୋନିଆ ଭିତରେ ତମର ରହିଲା ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ୍, ସେ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ୍କୁ କଭର କରିକି ମାନେ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଗୋଟେ କଭରିଂ ଭିତରେ ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଓଭ୍ୟୁଲ। ଠିକ ଅଛି, ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆର୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ବାଇ ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ଦ ଓଭ୍ୟୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ଟା ପବନ ଯୋଗେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଆସିକି ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଠିକ, କାରଣ ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି, ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଅଛି। ଦେ ଫର୍ମ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହୁଇଜ୍ ରିଚେସ୍ ଦ ଆର୍କିଗୋନିଆ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଓଭ୍ୟୁଲ। ତମେ ସେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଉପରେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ବାହାର କରିବ। ଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଭଳିଆ, ସେ ପାଇପ୍ ବାଟେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ କ'ଣ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଥିବେ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଛାଡ଼ିଦେବ। ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଇପ୍ଟା କ'ଣ କରିବ, ଯାଇ 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 ସେ ଫିମେଲ୍ ଓଭ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତମେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଆସିଥିବେ ସେ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍କୁ ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ, ଦ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜାଇଗୋଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ, ତମର ପୁଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ହେବ, ଜାଇଗୋଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ଜାଇଗୋଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏମ୍ବ୍ରିଓର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏମ୍ବ୍ରିଓ ମାନେ ଭ୍ରୂଣ, ମନକିତା ଜାଇଗୋଟ୍ ବା ଯୁଗ୍ମ ଜ ବଡ଼ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏମ୍ବ୍ରିଓକୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଓଭ୍ୟୁଲ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ସିଡ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ନଟ୍ କଭର୍ଡ଼। ଆଉ ସେ ଓଭ୍ୟୁଲ୍ଟା ଇଏ ତ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଓଭ୍ୟୁଲ୍ଟା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏମ୍ବ୍ରିଓ ମାନେ ଓଭ୍ୟୁଲ୍ ମାନେ ବଡ଼ ହେଇକି ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା କଭର୍ ନୁହଁ, କଭର୍ ନୁହଁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଜିମ୍ନୋସ୍ପମ୍ଟା ନଗ୍ନ ବେଜି, ଆମେ ତ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପମ୍ ପଢ଼ିବା, ହୁଏତ ଏ ଓଭ୍ୟୁଲ୍ଟା କଭର୍ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା। ସେଇଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍, ଆମ ଲାଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍। ତାପରେ ଆମର ଆନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବହୁତ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଆଉ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଓଭ୍ୟୁଲ୍ କିପରି ସିଡ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଅଛି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆସିକି କେମିତି ତାକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରିବନି, ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପଡ଼ିବ ତମର ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଉପରେ, ସେଥିରୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ବାହାରିବ, ସେ ପାଇପ୍ ବାଟା ଦେଇକି ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଥିବେ ସେମାନେ ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଓଭ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ସେ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍କୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ପଶିଯାଇ ପାରିବେନି, ହଁ ସେମାନେ ପଡ଼ିବେ, ପଶିଲା ପରେ ପାଇପ୍ ବାହାରିବ, ସେ ପାଇପ୍ ବାଟା ଦେଇକି ଗ୍ୟାମେଟ୍କୁ ପଠାଇବେ, ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଚିତ୍ର ଆକାର। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ 1-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। 1 ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍, 2 ମେନ୍ ଜାଣିଛ, ତାପରେ 2 ଆଉ 3 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ ତମର ମେଗା ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ୍ ଅଛି, ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ୍ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ୍, ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋବେରୀ ପାଇଁ ମେଲ୍ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ୍, ଫିମେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋବେରୀ ପାଖରେ ଫିମେଲ୍ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ୍ ଥାଏ, ୱିଥ୍ ସେମ୍ ମାନେ ସେମ୍ ଗଛରେ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛରେ ଥାଇପାରେ। ଦେଖ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ୍ର 4 ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମେଗା ସ୍ପୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି। ଦେଖ, ମେଗା ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ୍ର ମେଗା ସ୍ପୋର, ସେମିତି ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ୍ର 5 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରଟା ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଇନ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍, କେଉଁ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍, ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍, ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଇକ୍ରୋ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି 7 ଷ୍ଟେପ୍। ସେମିତି ମେଗା ସ୍ପୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ମେଗା ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ତମର ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ଲେଖା ଲେଖାହେଇଛି ଇନ୍ ଓଭ୍ୟୁଲ୍। ଓଭ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ, ଓଭ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ତମ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାମେଟା ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେ ଓଭ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଏଗ୍ ରହିଲା, ଏପଟେ ଦେଖ ସ୍ପର୍ମ ଆସିଲା, 8, 9 ମିଶିକି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କରି ଜାଇଗୋଟ୍ ତିଆରି କଲେ, 10 ସେ ଜାଇଗୋଟା ବଡ଼ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏମ୍ବ୍ରିଓ ହେଇଗଲା। ଏମ୍ବ୍ରିଓଟା କେଉଁଠି ଭିତରେ ରହିଲା, ସିଡ୍ ଭିତରେ, ଓଭ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲା, କାରଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା, ଓଭ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଓଭ୍ୟୁଲ୍ଟା ବଡ଼ ହେଇକି ସିଡ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜିକି ପୋତିଦେଲା ମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗଛ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କପିରେ ଭଲସେ ଡ୍ର କରିବ, ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ତୁମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, 4 କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ସାଇକରପ୍ସିଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସାଇକାସ୍, ଚିତ୍ର ଦେଖ। କୋନିଫରପ୍ସିଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ପାଇନସ୍। ନିଟୋପ୍ସିଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଟମ୍, ଆଉ ଜିଙ୍କୋପ୍ସିଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଚିଙ୍କୋ। 4 ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି 4 କ୍ଲାସ୍ ମନେ ରଖ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମର। ଇକୋନୋମିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଦେଖ, ଟିମ୍ବର୍ ଫର୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍, ପଲ୍ପ ୱୁଡ଼, ପେନ୍ସିଲ୍ ବକ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ତ ଏମାନଙ୍କ କାଠକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତମର ବାଜା ତିଆରି ହୁଏ, ପଲ୍ପ ୱୁଡ଼, ପେନ୍ସିଲ୍ ବକ୍ସ, କାଠରେ ଥିବା ବାକ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରେଜିନ୍ସ, ଟର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇନସ୍, ପାଇନସ୍ ହେଉଛି ରେଜିନ୍ସ ମାନେ ଅଠା କିମ୍ବା ଟର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେଉଛି ତମର ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେ ଅଠାଳିଆ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସବୁ କାର୍ପେଣ୍ଟିଂରେ, କାଠ କାମରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏଡିବଲ୍ ସିଡ୍ କିଛି ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି, ସାଇକାସ୍, ପାଇନାସ୍, ଜିଙ୍କୋ ଏମାନେ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି। ମେଡିସିନାଲ୍ ପର୍ପଜ୍ ଅଛି କାହାର,
एफिड्राइन तो एफिड्रा हूँ से गचटा ना जो एफिड्राइन कढ़ा जाए और औषध यूज कराए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को कमेपाई कि तुम श्वास प्रोब्लेम कमे यूज कराए आउ टैक्सल फ्रॉम टैक्सल स्पीसीज टैक्सल गोटे गच अच्छे जिम्नोस्पर्म अच्छी से जो टैक्सल को कढ़ा जाए कौन पर यूज कराए ना कैंसर सेल को फ्रीज कर कैंसर को नष्ट कर हेल्प कराए मान जो कैंसर भल कथा किसी परिमाण में कैंसर को नष्ट कर एबे किसी कॉमन नेम विषय पढ़ा देख फर्स्ट अच्छे लिविंग फसिल जिंको जिंको के लिविंग फसिल्स कौन कहते फसिल मान हो जो मैंने लोप पाई जाते जो सब जीव मैंने तो हाड़ को अस्थि को सब संरक्षण कराई रखा है जमी डायनोसर तो जिंको को बिलीव कर जिंको फसिल भाया तो तुम से प्राय सब सब क्षेत्र मैंने लोप पाई आसला कि तार मान तार जो क्यारेक्टर गुड़ाक अच्छी आम पूर्व जो मैंने पूर्व पुरुष मैंने मानते गच्छ मान पूर्व पुरुष जो थे क्यारेक्टर सागर में मिशुच्छे बोली ठीक अच्छे तो लिविंग फसिल कौन पर कहे एवं सीना से बंची कि क्यारेक्टर गुड़ाक पूर्व गच्छ मैं पूर्व काल में जो सब गच्छ देखा क्यारेक्टर सागर सामान हो पांडा अफ प्लांट किंगडम हो साइकस साइकस को प्लांट किंगडम पांडा कह जाए कौन पर पांडा जमी गोटे पर्टिकुला एरिया रहे जमीक चाइना कि जापान रहे पांडा देखी थी से भाव में साइकस गोटे पर्टिकुला एरिया ग्रो कैसे पांडा अफ प्लांट किंगडम कह जाए लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म तो जान लिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म हूँ जमीया ये सब हूँ तुम गोटे गोटे क्वेश्चन वन मार्क क्वेश्चन तुम समस्त ना को भल से मन रख सो आज ये तुम समस्त असाइनमेंट समस्त करदेव तो आज डेली कोट हूँ वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स इज टू आंसर क्वेश्चन तो तुम मन का काम हूँ क्वेश्चन पचार तुम जिते क्वेश्चन पचार तुम मन ब्रेन रो कैपेबिलिटी कैपेसिटी से अधिक जना पड़ कि कितने भल क्वेश्चन पचार पार्टी तेणुक सब मन रखी था मुंड में बहुत गुड़े क्वेश्चन तैयारी कर ये कमी है से जानवाक चेस्ट कर किसी नुआ शिखा चेस्ट कर।